एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फिर आज का जो ब्लॉग है, हम लोग जाने वाले हैं बैंकॉक टू फुकेट, जो कि बस जर्नी होने वाला है। तो आपको दिखाएंगे बस और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे मतलब कहाँ का स्टॉपेज है और मतलब कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, सब आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आप देखिए, इंजॉय करिए। तो चलते हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। आ गए हम लोग सायताय माय बस स्टेशन, जो कि जहाँ से हम लोग का बस है, तो वहाँ से हम लोग को जाना है। सो ये देखिए, यहाँ का जो बस स्टैंड है ऐसा है कुछ। और हम लोग का जो गेट है वो 40 से है, तो हम भी पहले देख लेते 40 कहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा मिनी बस सब भी है। कहाँ जाता है ये तो नहीं बुझा रहा है। ये देखिए गाइस, और हमारा बस शायद ऐसा रहेगा, ये वाला आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये वाला रहेगा। हम लोग का जो गेट है वो 40 नंबर गेट है, मतलब सोचिए कितना बड़ा ये बस स्टैंड है। और यहाँ पे देखिए वैन सब भी है। और हम लोग सुबह सुबह ही आ गए, 7:30 बजे हमारा बस है, तो पहले ही आ गए, लेट नहीं होना चाहते थे। सोचे थे कि कोई गाड़ी वाड़ी टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा होटल से। और चलते हैं 40 नंबर गेट में। गाइस यहाँ देखिए, अभी दो बस आए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का 40 नंबर गेट है, तो वहाँ पे आएगा आगे में। ये देखिए बस, महंगा बस है। नहीं तो गाइस, अभी हम लोग का जो बस आएगा यहाँ आएगा 40 नंबर। और ये थोड़ा वेटिंग हॉल टाइप का है, हॉल तो नहीं बोलेंगे, वेटिंग एरिया है। तो गाइस यहाँ देखिए, बहुत सारा बस आ चुकी है अलग अलग जगह जाने के लिए। तो हमारी बस तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे तो फिलहाल कहीं और जाने का बस है। और बहुत ही बड़ा ये बस स्टैंड है, देखिए इतना सारा प्लेटफॉर्म सब। देखिए एक बस जा रहा है, फतवा बस है, ठोका बहुत है बस को, ये सब नया नया दिख रहा है। सो गाइस यहाँ देखिए, बस बड़ा सा, बहुत ही लाजवाब दिख रहा है भाई, करोड़ों का बस है। स्कैनिया का है ना, डबल टेकर बस, पहली बार ऐसे बस देखे। और यहाँ पे 3-4 बस दिख रहे हैं, ये देखिए गाइस जा रहा है, बहुत सही दिख रहा है। सो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है। और यहाँ पे एक बस अभी जा रहा है, देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आज हम लोग ये वाला बस से फुके जाने वाले हैं, वहाँ पे लगेज डल रहा है। और ये हमारा बस है, हमारा टिकट। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं इंटीरियर। ये रहा ड्राइवर सीट मर्सिडीज का, देखिए गाइस ये बोल रही है। ये बोल रही है, ठीक है, मिठाई विठाई लग रहा है, नहीं पेड़ा जैसे लग रहा है। उधर खाने होने का है ना, राइस वाइस मिलेगा, डिजर्ट्स है क्या, मिठाई विठाई।
सो गाइस, ये रहा हम लोग का आज का लंच इस सफ़र का। उबलल सब्जी एकदम सादा लग रहा है, अंडा अंडा जैसे लग रहा है, आमलेट और राइस, स्टिकी राइस। यारुन खा रहा है, यारुन कैसा लग रहा है सर? बस यही खा के हम लोग जिंदा गाइस। ये देखिए थाईलैंड आए गए तो सस्ता में खाना है, तो ये सब खाना पड़ जाएगा। तो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन फुकेट में, और ये उसका बस टर्मिनल नंबर 2। देखिए हमारा ही वाला बस था, यहाँ डबल टेकर बस रुका हुआ है। तो गाइज, अभी हम लोग अपना कैब बुक किया है, टैक्सी, तो अभी वही वेट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जाएंगे अपना हॉस्टल जो कि है होम्स एंड हग करके नाम है। तो आज एक दिन वहाँ पे स्टे करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि बस हम लोग का रात में यहाँ पे पहुँचाया 9 बजे, तो हम लोग इसलिए थोड़ा बस स्टेशन से पास में लेने का सोचे थे, तो वही सबसे पास वही लगा। तो अभी वेट करें अपना कैब टैक्सी तक, उसके बाद जाएंगे हॉस्टल और आपको हॉस्टल दिखाएंगे यहाँ का। सो स्टे ट्यून, आगे दिखाते हैं। तो ये यहाँ का बस स्टैंड फुकेट का, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर से। तो गाइस, यहाँ पे भी अपना इंडिया टाइप का बुलाता है, जैसे हम लोग का इंडिया में स्टेशन से बाहर जाओ तो ऑटो ऑटो करता है, वैसे यहाँ पे भी करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे खींच के नहीं ले जाता है, बस ये चीज़ें मना कर दो और उसके बाद फिर वो लोग अपना रास्ता निकल जाएगा। वो लोग भी समझता ही नहीं जाएगा ये लोग। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बाइक रेंट होता है, यहाँ पे बाइक 300 से 400 थाई बात लेता है, ये तो यही है। अरे इतनी देखिए गाइस, देखिए ये हमारा ग्रैब आया है, रहीसी वाला, ये देखिए गाइस। अरे बाप रे, क्या चीज़ है इसको टैक्सी बोलते हैं यहाँ पे। तो गाइस, ये रहा हमारा क्रैप टैक्सी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आपको हॉस्टल दिखा रही है, हमारा रूम है, बाहर से आके दिखाते हैं ना कॉरिडोर से। सो यहाँ पे अरुण कॉरिडोर है, और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, ये हमारा रूम देखिए, सिंगल सिंगल 2 बेड है, फैन वाला है, और यहाँ पे टेबल कुर्सी सब दे दिया गया है, वहाँ पे एक्सटेंशन वायर भी दिया है, तो ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, अफोर्डेबल प्राइस में है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे खाना खाने हॉस्टल में, हम लोग सामान वामान रख दिए, सब चीज़ कर लिए, और अभी जाएंगे कुछ खा लेते हैं। 7-Eleven जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो बगल में है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा हल्का सुनसान है ये वाला इलाका,
चहल पहल ज़्यादा नहीं है जो एरिया में, अभी हम लोग जो एरिया में, ये ओल्ड फुकेत है तो यहाँ पे उतना भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है जैसे वहाँ पे था बैंकॉक का थॉमसन रोड में। तो यहाँ पे एक तो कैफे टाइप का है, यहाँ का स्ट्रीट एकदम साफ सुथरा है, देखिए ना मस्त दिख रहा है, लेकिन लाइटिंग देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का चहल पहल है। हाँ तो गाइस ये देखिए मस्त चलने के लिए अलग से रास्ता, फुटपाथ, बिल्ली रास्ता काट दी है यहाँ पे, इसको काट के खा जाएगा। सेवन इलेवन जिंदाबाद आगे से राइट में ऊपर स्कूटी सब देखे गाइस, यहाँ का ये वाला बहुत दिखा है, नहीं ये वाला होंडा का बढ़िया लग रहा है, ये छोटा कौन सा गाड़ी जा रहा है, गाइस ये रहा यहाँ का स्ट्रीट, यहाँ का स्ट्रीट है गाइस, ये अपने कार सब भी आ रहा है, कैसे जाएंगे देखिए गाइस, गाड़ी यहाँ पे एक से एक दिख रहा है, देखिए था लोकेशन, लोकेशन तो देखिए पर। तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरा सब्जी मार्केट है, ये क्या चीज़ है लाल लाल, केला वेला मिल रहा है, आम मांग रहा है आम, अच्छा आम तो है 40 रुपया का, मैंने 80 रुपया एक थोड़े के क्या है पता नहीं, तो मिर्ची उर्ची साग भी है एकदम अलग सा, अरे ये गाइस अरे क्या चीज़ है बड़का सा है, तो ध्यान में कौन आए, तो अभी बज रहे रात के 11 और अभी मार्केट लगा हुआ अभी तक, अभी सब पैक कर रहा है वापस, पैकिंग कर रहा है बंद करने का तैयारी, देखो कब तक खुला रहेगा, तो अभी हम लोग बस भटक रहे रात का 11 बजे खाना की तलाश में, 7-Eleven में तो मिल जाएगा, और यहाँ पे जो एरिया में हम लोग लिए है हॉस्टल यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, इतना चल लिए फिर भी, और मिलता भी है तो मतलब बहुत चार्जेस लेता है, बहुत महंगा 250 बात मैंने अराउंड 550-530 के अराउंड लेता है, तो थोड़ा महंगा लगता है इंडियन रेस्टोरेंट। सो फाइनली मिल गया 7-Eleven, चलते हैं अभी लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान, गाड़ी अभी तक चल रहा है, वन वे है क्या यहाँ पे। सो गाइस ये रहा हमारा डिनर, अंडा और चावल बस ये खा के रहना है, यहाँ पे सॉस वॉस दी है अरुण का, ये मेरा, और ये थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए हम लोग दोनों लिए है 104 बात में, मैंने 52 बात में, 52 मैंने हो गया आपका 110 रुपया का, तो चलते खाते हैं इसके बाद फिर चलते हैं, थोड़ा अगर कुछ सीन मिलेगा तो दिखाएंगे आपको अभी। तो आज के लिए एक नई वीडियो रखेंगे, फिर कल एक नए व्लॉग के साथ आएंगे,
सो आज के जो वीडियो था वो बस हमारा बैंकॉक से फुकेत का टूर था, और सॉरी बोलना चाहेगी क्योंकि हम वहाँ का जो जर्नी है बस से जो जा रहे थे बाहर का वो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मेरा जो सीट था वो विंडो साइड नहीं था, इधर बीच साइड में था, तो विंडो साइड वाला जो एरिया में जो बैठा हुआ था वो पर्दा लगा दिया था, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए सॉरी रहेगा। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।